सो गाइस सडनली अभी हमारे घर में आए हैं देखो कौन, लाडी आंटी साथ में मुस्कान दी। सो गाइस मैंने लगा दिया मामा के हैंड पे मेहंदी, तो फाइनली यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है लीन की। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी और साथ में फेनिया। सो गाइस मैंने अपना सुबह के लिए सूट कर लिया है प्रेस, तो जब मैं मॉर्निंग में उठूंगी। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। शुरुआत हो चुकी है, अभी टाइम हो चुका है 10:40। अब मेरी दिन की शुरुआत तो अभी हुई है, पापा आ चुके हैं। हेलो गाइस, ब्लूटूथ लगा लो। ब्लूटूथ क्यों लेके घूम रहे आप? घूम नहीं रहे, यहाँ रखा हुआ था, देख रहा था। हाँ यहाँ रखा था, देख रहा था। अच्छा, तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज है मेरी छुट्टी क्योंकि आज है सैटरडे। छुट्टी वाले दिन तो मजा आता है ना, आराम से सो के उठो। बारह बजे तक हाँ, वैसे बात तो सही है, बहुत अच्छी बात है। सो अभी पापा का चॉकलेट वाला दूध आ चुका है, पी के तो देख लो। पहले पानी पीता हूँ मैं। अच्छा, पानी कितना घुट पीते हो? एक घुट, एक इतना सा, इतना सा पानी पीते हो? गिला करने के लिए नहीं। क्यों गिला क्यों करते हो? उससे गिला नहीं होता मेरा, इतना सारा दे दिया तुमने। ब्रेकफास्ट नहीं करना? क्यों, टाइम नहीं है? जल्दी रेडी हो जाए करो ना, जल्दी दिल ही नहीं करता। 10:43 हो चुके हैं यहीं पे, 10:43 तो हो चुके हैं। अगर जल्दी लंच लेके जा रही थी बाबा, जल्दी रेडी हो ना, अब ब्रेकफास्ट भी करके जाओ। दिल नहीं करता सुबह मैं कभी उठने का। क्यों? मैं भी इंसान हूँ। जैसे मेरा नहीं करता वैसे आपको भी नहीं करता। सो गाइस अभी मम्मा जा चुके हैं जिम और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत सफाई कर दूँ। थोड़ी बहुत सफाई मैं कर चुका हूँ, सोफे सेट कर दिए हैं, गाने चल चुके हैं, यहाँ पे अभी बेड भी मैंने झाड़ दिया है और मैंने यहाँ पर पानी की बोतल्स भी भर दी है, ये जी एक, और ये मैंने पानी की बोतल्स भी भर दी है। सो गाइस अब मैंने नहा लिया है और अभी मैं रेडी भी हो चुका हूँ, मैं पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। बस मैंने पटका नहीं बनवाया क्योंकि मम्मा ही नहीं है, मम्मा आएंगे हाफ एन आवर में और जब मम्मा आएंगे तो मम्मी हो जाएंगे खुश क्योंकि मैंने सारे घर की सफाई कर दी है। हेलो गाइस, और जिम से मैं वापिस आ गई हूँ और मेरे बेटे ने करके रखी है पूरी साफ सफाई घर की। थैंक यू दप्पू, वेलकम। दप्पू ने नहा भी लिया है, पूरी साफ सफाई कर दी है नीचे वाले फ्लोर की, बस बर्तन धोने हैं वो मैं धो लूंगी। अब बर्तन तो बेचारे से नहीं धुलते ना, इतना तो अत्याचार नहीं करना चाहिए छोटे से बच्चे पे। अभी ब्रेकफास्ट करना है दप्पू ने भी मैंने भी, तो अब मैंने कहा कि अब मैं आई हूँ यार 5 मिनट रेस्ट लूँ उसके बाद ही करूँगी क्योंकि मेरी भी लेग स्प्रेन करी है। ऊपर चढ़ चढ़ के ना जिम करने में इतनी हालत ख़राब नहीं होती जितनी ऊपर चढ़ने में हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं खा रही हूँ ऑरेंज, जप्पू को ऑफर किया पर जप्पू ने नहीं खाना, जप्पू यहाँ पे बन के बैठ गया है। सो आज का लंच है मेरा आलू टींडे की सब्जी, साथ में 2 परांठे, आलू टींडे की सब्जी जिसमें सिर्फ आलू आलू है। सो अभी मैंने नहा लिया है और जप्पू को भेजा टमाटर लेने के लिए, ट्यूशन के करिए मैंने आज छुट्टी क्योंकि अभी मेरे को कुछ काम भी हैं बहुत सारे, अर्श की मम्मा को मेहंदी भी लगानी है तो टाइम था नहीं, इसलिए ट्यूशन कर दिया ऑफ। और इट्स ओके यार क्योंकि व्रत है तो इतनी एक आधी छुट्टी तो बनती है, तो कल की तो छुट्टी है ही है क्योंकि कल तो मेरे में एनर्जी होगी नहीं पढ़ाने की, तो आज की ईद भी मैंने छुट्टी कर दी छोटे बच्चों की, बस बड़े बच्चों को बुलाया है। बड़े बच्चे खुद से लर्न कर लेते हैं बैठ के, छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चों की करिए छुट्टी, बड़े बच्चों को बुलाया है। साथ ही साथ यहाँ बना रही हूँ राजमा की सब्जी, राजमा रख दिए बॉयल करने के लिए, सुबह भिगो दिए थे, और यहाँ पर मसाला भी कर दिया रेडी, अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्ची की प्यूरी बना दी है। टमाटर सिर्फ 2 ही थे मेरे पास, तो अभी जप्पू को भेजा नीचे टमाटर लाने के लिए, वो टमाटर लेके आएगा, देन टमाटर की प्यूरी बना के सब्जी रेडी करके ही जाऊंगी और राइस भी बना के जाऊंगी क्योंकि जब वापस आऊंगी तो मेहंदी वेहंदी लगवा के आऊंगी, तो आके किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो उससे पहले सारे काम खत्म करके जाऊंगी मार्केट। सो गाइस सडनली अभी हमारे घर में आए हैं देखो कौन, लाडी आंटी साथ में मुस्कान दीदी। हेलो गाइस,
तो अभी लाडी आंटी के साथ साथ हम कर रहे हैं पार्टी चौमिन स्प्रिंग रोल साथ में पेप्सी की। सो गाइस सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी है और लाडी मेरे साथ बैठी है और इसे मेहंदी भी लगवा ली, पर ये व्रत नहीं रखते ना तुम। ये व्रत नहीं रखती, वैसे भी इसके फादर इन लॉ एक्सपायर हुआ है, ये वैसे ही नहीं व्रत रखती थी, पर अभी इसके फादर इन लॉ एक्सपायर हुआ है तो बिल्कुल ही कोई वो नहीं है। और यहाँ पर ये मैडम जी बैठी है, इनके हाथ में लगाएंगे मेहंदी, मैं बाहर से लगवाऊंगी। और ये इनका हीरो अकेला बच्चा, ट्यूशन के सभी बच्चे जा चुके हैं, ये फोन देखेगा और मुस्कान भी हमको देखेगी, आंटी मेहंदी कैसे लगाएगी, ये सब वेले मेरे को देखेंगे, काम बस मैं ही करने वाली हूँ। सो गाइज मैंने लगा दिया मामा के हैंड पे मेहंदी, दोनों हाथों में लग चुकी है, बैक करना, दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। तो हैप्पी, अच्छी लगी है? बहुत अच्छी, थैंक यू। अच्छा ओके। और ये देखो जप्पू के काम, जप्पू गया अपनी मासी के घर पे, उसको रैपिडो बुक करवा के दी है, देख लो टुकू, जप्पू ही पंखा खुला छोड़ के जाता है। बाय बाय। सो अभी मैंने हल्का सा अपने फेस का टचअप कर लिया है, थोड़ी सी रेडी मैं हो गई हूँ, अब मैं उतरने लगी हूँ नीचे, थोड़ा सा सामान वामान लूँगी, देन फिर उसके बाद नैना और मैं जाएंगे डुगू के पास, फिर से हम लोग कहीं काम से जा रहे हैं फिर उसके बाद मेहंदी लगवाने जाएंगे, तो चलो उतरते हैं नीचे। तो गाइस सामान लेके मैंने छोड़ दिया गाड़ी में, नैना को भी नहीं पता मैंने क्या सामान लिया क्या नहीं नैना की वेट मैं कर रही हूँ, इस मैडम को मेरी वेट करनी चाहिए थी, ये मैं मेरे को वेट करवा रही है। नीचे आके मैंने रिक्शा भी कर लिया, पर ये मैडम रेडी नहीं थी, फिर रेडी थी, आई तो लेट है 10 मिनट फोन करने के, 10 मिनट नहीं 2 मिनट फोन करने के 5-7 मिनट के बाद आई है। नहीं तो मेरे को लेनी थी मठियाँ वगैरह और फेनियाँ ये सब, तो मैं लेके उसको डुकू की गाड़ी में रख के आ गई हूँ। और एक बहुत ही प्यारा सा ना, मैंने जैसे वो गड़वी होती है ना वैसा एक मिट्टी का भी आता है करवा चौथ के लिए ना, वैसा सा कुछ लिया मैंने, फर्स्ट टाइम लिया है, पहले नहीं लिया कभी भी, वो भी लिया मैंने, बहुत सुंदर सा लग रहा था। रेड कलर की बैंगल्स भी ली है, करवा चौथ की पहली शॉपिंग करी मैंने रेड बैंगल्स, तो वो भी लेके मैं सब कुछ डुकू की गाड़ी में रख के आ गई हूँ। जब रात को डुकू आएंगे तब वो आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप देख लेना कि कैसी कैसी और क्या चीज़ें मैंने ली थी। तो अभी हम जाए हैं घूमी शूमी, नैना गई मासी के साथ स्कूटी पे, मैं आ गई डुकू के साथ बाइक पे। हेलो गाइस, बोलो क्या बोलो, फॉलो फॉलो क्या बोलो, मुझे फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। आज हमारे साथ जप्पू नहीं है बाइक पे, हम दोनों ही हैं, जप्पू मासी कर गया रैपिडो करके, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। तो अभी आए हैं यहाँ पे एप्पल लेने के लिए, अब हरलीन देख रही है एप्पल, देखते कौन से पसंद आते कौन से पसंद नहीं आते। तो ये होते हैं ओरिजिनल एप्पल, कलर चढ़ाने के बाद ऐसे होते हैं, तो आप अच्छी तरह धो के खाया करो। और ये देख लो एप्पल, को ये मत बोलना कि वो है क्या कहते हैं ना, और क्या कहते हैं पियर, हिंदी में क्या कहते हैं, नाशपति, या नाशपति नहीं एप्पल है, ये ओरिजिनल कलर है एप्पल का, कलर चढ़ाने के बाद ऐसा। तो यहाँ पे हरलीन खुद ही लगी है तोड़ने मूली, खुद ही लगे इसको, एक बना दिया। तो मैदे का नंबर लगा दिया है, वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है, अब यहाँ पे हम खाने आए लड्डू, हमने कहा था पेट पूजा कर लो, उसका काम फिर करेंगे दूजा। तो हरलीन दे रही है पैसे लड्डू के, बाकी मैंने दिए पैसे, पता होना चाहिए सबको। तो इन भैया से मैंने पिछली बार लगवाई थी हरलीन की, तो इस बार भी इन भैया से लगवा रहे हैं, और अब इनका पर्सनल नंबर ले लिया, मैं क्या आने की बुकिंग कराई जाएगी यहाँ पे। ये देखो कितनी बढ़िया मेहंदी लगा रहे हैं, जैसे हरलीन लगवाती ना सबको उसी तरह की लगा रहे हैं ये। गलती कर ली हरलीन, और हरलीन हरलीन गलती कर दी, जप्पू को लगा मेरा टाइम तो पास हो गया था, वो आता था टाइम पास हो जाता ना हमारा, टाइम ही पास नहीं हो रहा, यहीं देख रहा हूँ मैं बैठ के, बस तुम्हारी मेहंदी है। भैया की स्पीड तेज होती है ना इस करके, रेगुलर लगाते रहते हैं ना इस करके, इनकी स्पीड तेज है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल में बना दी है बुकिंग की, वाइफ लगा रही यहाँ पे मेहंदी, और यहाँ पे मोबाइल में ड्राइंग कराने में लगे हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है लीन की, ये देखो पीछे, नहीं ये पीछे, हाँ ये पीछे से, अब आगे से दिखाओ ये आगे से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसी मेहंदी लगी है। चले अब जप्पू वेट कर रहा होगा, अब सामान भी ऊपर चढ़ाना है अभी, चलो।
सो गाइज अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, व्लॉग मैं खुद से ही बना रही हूँ। ये देखो मेरी मेहंदी सूख गई और सूखने के बाद मैंने अपनी मेहंदी झाड़ भी दी है। अब मैं घर पे आई हूँ तो इजीली आराम से रोटी डाल के भी दे सकती हूँ इनको और मैं खुद भी खा सकती हूँ। विक्स की गोली लो, मेहंदी डॉक्टर हो। हाँ विक्स लगाऊंगी, खाना वाना खाने के बाद विक्स लगाऊंगी, मैं हाथ गीले नहीं कर रही हूँ। बस मेरी मेहंदी सूख गई है, झाड़ दी है मैंने, पर मेहंदी लगाई भैया ने अच्छी है। तो चलो फटाफट से खाना खा लेती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं लाई क्या क्या हूँ। बिकॉज मेरा अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है कि मैंने पहनना क्या है, तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बिल्कुल प्लेन रेड कलर की बैंगल्स, है ना देखो अच्छी लग रही है, एक नंबर। तो मैं ये रेड कलर की प्लेन बैंगल्स लेके आई हूँ और यहाँ पर मैं कुछ जो व्रत में पूजने के बाद अपने बड़ों को वो दिया जाता है ना, तो ये बड़ी मम्मी और भोली बुआ दोनों ने मेरे को सरगी भेजी थी। स्टार्टिंग से ही मुझे बड़ी मम्मी यानी कि डुगू की जो नानी है वो सरगी देते हैं स्टार्टिंग से ही। मेरे को 14 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग से मेरे को वही सरगी दे रहे थे। फिर जब 2 साल पहले पापा एक्सपायर हुए ना, तो फिर उसके बाद मुझसे भोली बुआ मतलब जो डुगू की बुआ हैं उन्होंने भी सरगी देनी स्टार्ट कर दी। तो अभी मैं अपनी दो सासू माम के लिए जो व्रत पूजने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, फिर उनको रिटर्न में जो कुछ भी देते हैं तो वो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। खाने पीने का सामान है, मैं सूट वगैरह मैं इसलिए नहीं लेती बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं उसके नाम का शगुन ही दे देती हूँ। और साथ में खाने पीने की चीज़ें लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी और साथ में फेनिया, और यहाँ पर सेम बड़ी मम्मी के लिए और सेम ही भोली बुआ के लिए। और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ ये लोटा और साथ में दिया, इसके अंदर मैं वो जो दूध की लस्सी बना के लेके जाते हैं ना व्रत पूजने के लिए वो लेके जाऊँगी। और यहाँ पर मैं कुछ बादाम और काजू लेके आई हूँ, ड्राई फ्रूट्स सेम पैकेट्स हैं। और यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, तो ये सब देने के लिए है। और ये मूली मैं लेके आई हूँ, सुबह मैं मूली का पराठा खाने वाली हूँ। तो बस कुछ यही शॉपिंग थी जो मैंने करी थी नीचे जाके। यहाँ पर डुगू बन के आ गए हैं सलमान खान, टन टन डन टन टन टन। गाड़ी मंगवाई दुबई से फुल बुलेट प्रूफ वाली, घरों के कैमरे, घरों के इतने कैमरे लगा दिए, जिसने जो कांड करना वो करी जाने, जितने मेरी कैमरे जितने मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। पर क्यों ऐसे लोग दुश्मनी बनाते हैं, गलत है यार, धमकी में लिए ना उसको, पर गलत है, ऐसे किसी की जान पे नहीं खेलना चाहिए। चलो अब डाले रोटी। और इसको देखो आते ही बैठ के नंगा पुंगू, चलो ये तो भाई कपड़े पहन के बैठा कर, क्यों मौसम चेंज हो गया है, खीर खा के आइए तो गुजारे में। ये जो ज्यादा देखो अपने आप नु ना डॉन समझन लग गया है। चलो आप लोगों को पता ही है कि मैं राजमा राइस बना के गई थी, तो ये रही हमारे राइस बने हुए हैं, ये देखो। और ये है हमारे राजमा राइस बना के गई थी मैं। तो टाइम हो चुका है अभी ज्यादा, तो करके ज्यादा भूख नहीं है, तो थोड़े से राजमा चावल मैंने करवाए, गरम तुमने भी खाने हैं। सही है, टाइम अभी हो चुका है 1:15 और टीवी हमारा चल रहा है हमसे, क्यों अभी वर्क शुरू नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, चलो हम खा लेते हैं फटाफट। सो गाइज मैंने अपना सुबह के लिए सूट कर लिया है प्रेस, तो जब मैं मॉर्निंग में उठूंगी सरगी खाने के लिए तो मैं अपना ये येलो वाला सूट पहनने वाली हूँ। शाम को कथा में सूट पहन के जाऊंगी, वो मैं कल फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ, मैंने काफी टाइम से बनवा के रखा हुआ है। न्यू तो इस बार कुछ भी नहीं लिया, पर वो भी न्यू है, अनटच है, मैंने उसको एक बार भी नहीं वियर किया, तो सुच्चा सूट है वो। मुझे लक्की जिया जी ने वो फेब्रिक, मेरे को वो लक्की जिया जी ने लेके दिया था, तो वो सूट मैं कल पहली बार वियर करने वाली हूँ, तो देखते हैं कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगी मैं खुद को। तो ठीक है गाइज, वीडियो को करते हैं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग जरूर देखना, अच्छा सा बनाऊंगी बहुत सुंदर सा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।